नॉट डन, बहुत ज्यादती हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट, चैनल से ही बात कर रहा हूँ। लगे है वो बिल्कुल बेसलेस है। जिस तरह से इस बात को पब्लिकली उछाला गया है वो गलत है। जब देखो बखेड़ा खड़ा कर देता है, कभी जज बदलो कभी सुंदरलाल को बंद करो। तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है वो। कुछ नहीं कर सकता वो। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे आश्रम 3 के एपिसोड 9 संकनाथ की। इस एपिसोड की कहानी पम्मी, अक्की व अक्की के फ्रेंड से होती है, जहां वो लोग पम्मी की न्यूज वीडियो के बारे में बात करते हैं। फिर अक्की एक सफाई कर्मचारी के रूप में रंग बहार मीडिया कंपनी में जाता है, जहां अक्की का दोस्त काम करता है, और वो वहां जाता है, वहां के ब्रॉडकास्ट सिस्टम में नेटवर्क के रूप में जाके मॉडम चेंज कर देता है। फिर पम्मी का वीडियो हर न्यूज वीडियो पर आ जाता है। जैसे ही न्यूज कंपनी वालों को पता चलता है तो वीडियो बंद कर दिया जाता है। अब ये बात बाबा निराला को भी पता चल जाती है, तो बाबा पम्मी से मिलना चाहता है, लेकिन भोपा बाबा मना कर देता है। उधर दूसरी तरफ जज पम्मी की लिखी हुई चिट्ठियों को डुड़वाता है, पुलिस को ऑर्डर देता है बाबा के खिलाफ एक्शन लेने की। फिर कोर्ट से बाबा निराला के पास एक ऑर्डर जाता है कोर्ट में हाजिर होने के लिए। फिर बाबा निराला हुकुम सिंह से तुरंत जज को ट्रांसफर करने के लिए बोलता है। फिर सोनिया मीडिया को ही आश्रम में बुलाने के लिए बोलती है, और डीआईजी बलवंत सिंह मीडिया को आश्रम में लाता है, और दूसरी तरफ पम्मी की मां को भी बुला लिया जाता है आश्रम में। तो वो मीडिया के सामने बोल देती है कि पम्मी ने ही भाई व अपने पिता को मारा है। तो फिर मीडिया पॉजिटिव खबरें फैलने लगती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदरलाल नेगेटिव खबरें फैलाता है बाबा के खिलाफ। बाबा ढोंगी है, पाखंडी है और सरकार भ्रष्ट है। तो फिर बाबा हुकुम सिंह पर गुस्सा करता है कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। फिर फाइनली पम्मी सुंदरलाल के साथ मीडिया के सामने आ जाती है, और सुंदरलाल उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेता है। फिर हुकुम सिंह बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ जज को ट्रांसफर करने की, लेकिन सेंट्रल जज ही चेंज कर सकता है। तो बाबा को लगता है कि मैंने हुकुम सिंह पर गलत पैसे लगा दिए हैं। फिर भोपा बाबा सुंदरलाल से बात करता है और सुंदरलाल को यह मनाने को बोलता है। तो सुंदरलाल अपना पूरा खर्चा लेने की डिमांड करता है, जो कि उसके पिछले इलेक्शन में खर्च हुए होते हैं, और फिर वो रेडी हो जाता है। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।